नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता अभियान को झटका लगा है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्ष को गोलबंद और लामबंद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उन कोशिशों को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं और यह झटका कल भी लगा है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि कल दो खबरें सामने आई हैं। कल विपक्षी एकजुटता को लेकर दो कवायदे की गई, एक तो लालू यादव और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिले और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हरियाणा में विपक्षी एकजुटता अभियान को लेकर एक रैली थी उसमें शामिल हुए। तो दोनों को लेकर एक खबर सामने आ रही है, दोनों को लेकर अलग अलग खबरें सामने आ रही है और जिससे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि विपक्षी एकजुटता अभियान कितनी बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के लिए या उन नेताओं के लिए जो विपक्ष को एक मंच पर लाना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से रोकने के लिए। तो जो पहला झटका कह लें वो ये है कि लालू यादव और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिले, जो खबर सामने आई। सोनिया गांधी ने लालू यादव और नीतीश कुमार को फिर मिलने को कहा है, सांगठनिक चुनाव, कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जब सांगठनिक चुनाव हो जाएगा कांग्रेस का तो फिर मैं आप लोगों से 12 दिन बाद मिलूंगी। इस बात की जानकारी लालू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी है। अब हरियाणा में जो रैली थी उसमें ओम प्रकाश चौटाला ने 10 राज्यों के 17 विपक्षी नेताओं को बुलाया था जिसमें से सिर्फ 5 हाजिर हुए हैं। इससे भी ये सवाल है कि क्या विपक्षी एकजुटता में वो धार दिखाई नहीं दे रही है जिसकी उम्मीद नीतीश कुमार को रही होगी या जिसको लेकर दावा किया जाता रहा है। अब ओम प्रकाश चौटाला ने विपक्षी एकजुटता को जो रैली की और जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए, उसको फ्लॉप बताया है भारतीय जनता पार्टी ने। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देवीलाल की जयंती के बहाने विपक्षी एकता के लिए हरियाणा में आयोजित ओम प्रकाश चौटाला की सम्मान रैली फ्लॉप सो साबित हुई है। इसमें विपक्ष शासित दर्जन भर राज्यों से नीतीश कुमार के अलावा कोई मुख्यमंत्री शामिल ही नहीं हुआ। जिन 17 प्रमुख नेताओं को न्योता दिया गया उसमें से केवल 5 पहुंचे। दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में KCR, विजयन, MK स्टालिन तो दूर, उत्तरी राज्यों के केजरीवाल, अशोक गहलोत, ममता बनर्जी ने भी चौटाला से दूरी बनाए रखी। तो ये बयान है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का और जाहिर तौर पर ये हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला की रैली में 17 में से सिर्फ 5 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे, सिर्फ 1 मुख्यमंत्री पहुंचे, तो बीजेपी गदगद है और इससे यह भी साफ होता है कि कितनी बड़ी चुनौती विपक्षी एकजुटता का अभियान है नीतीश कुमार के लिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।